हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दूसरा नवरात्र। तो फ्रेंड्स, तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बजे अभी 6 और मैं यहाँ पे सो के उठ के आ गई थी। उसके ना नहा भी लिया मैंने, बस अभी मंदिर पूजा नहीं करी है, मतलब आके ना मैं किचन में लग गई थी। तो मैंने सारिका का दूध बना दिया है और सारिका जो है अभी उठी नहीं है, मतलब मैं उसे उठाऊँगी, फिर उसे नहलाना धुलाना भी है। तो बस पहले मैं आ गई थी यहाँ किचन में, बना रही हूँ अभी मैं बीन्स की सब्ज़ी। और आपको ना आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने ना लकी ड्रॉ जीता है, और कैसे क्या जीता है सब आपको बताऊँगी। तो इसके लिए ना आपको ब्लॉग को पूरा तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी बना रही थी, और सारिका खाती है अपना आलू का पराठा, तो उसमें से आलू निकाल के मैंने सारिका के लिए बना दिया था आलू का पराठा। वो स्कूल चली गई है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर अपने मंदिर वाले रूम की सफाई करने के लिए। तो अलग से ना छोटा सा एक मेरा पोछा बना रखा है, तो उसी से ना जो मैं मंदिर वाले रूम में पोछा लगाती हूँ। तो बस अब आती है बारी पूजा करने की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो अभी ना मैंने पूजा कर लिया, लेकिन ना देर हो गई है। यहाँ पे भी पूजा कर चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो जोत चल रही है मेरी। और पता है अक्षु रो रही थी, फिर मैंने ना उसको चुप कराया, बहुत ज़्यादा रो रही थी, रुकी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से पूजा करी, करने में देर थी। तो पोछा मैंने अंदर वाले मंदिर में लगाया, बस मंदिर वाले रूम में। और यहाँ पे बस झाड़ू तो सुबह मैंने सारे घर में लगा दिया था, बस ना पोछा नहीं लगाया था मैंने। और इसको देखो, मेरे अक्षु को क्या कर रही है, देखो इसका, ये देखो, ये मैंने ना हटाया वहाँ से, टूट रहा है, देखो ना टूट रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया। मैं ना इसको ना रखवा दूँगी मैं। तो ये देखो, इसमें घुस के खेल रही है, यहाँ पे इसमें खेल लग रही है। अक्षु क्या खेल रहा है? अरे देखो देखो, आ नो नो अक्षु नो खेल रहे हो उसमें, तो यहाँ पे खेल रही है। तो अभी मेरी सब्जी भी बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बीन्स की सब्जी बन गई, बस रोटी रोटी बनानी बाकी है हमें। ये देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए हमारी सब्जी बन गई है बीन्स की, जीरे वाली। अब तो 9 दिन जीरे का ही खाना चलेगा। तो बस अब बना लेती हूँ मैं रोटी। तो फ्रेंड्स, रोटी वगैरह सब मैंने बना दी थी, हस्बैंड जी चले गए हैं, और अपने लिए भी मैंने बना लिया था। तो मैंने हस्बैंड जी जा रहे थे, उन्हीं के साथ जो अपना नाश्ता भी कर लिया था मैंने, क्योंकि पूजा तो हो ही गई थी। तो मैंने सोचा लगे आज जो नाश्ता भी कर ही लेते हैं, तो आज उन्हीं के साथ मैंने कर लिया था। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, साफ़ सफ़ाई करूँगी। तो गैस वगैरह सब मेरी गंदी सी हो रही थी, और तो अभी ना मैं साबुन से ना उसको साफ़ करके करूँगी। ज़्यादा गंदी नहीं होती तो उसे कपड़े से कर देती हूँ, लेकिन अभी ना ज़्यादा गंदी सी लग रही थी, चिकनी चिकनी से रहे, तेल वगैरह के कई बार वो रख देती हूँ ना सब्जी चला के, तो बस वो लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने साबुन से अच्छे से मांज के साफ़ कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो अभी तो है मतलब वही फटाफट से सारे काम हो गए हैं मेरे। और यहाँ पे मेरी अक्षु सो रही थी, तो ना पहले मैंने क्या करा, दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि जब पोछा उसमें मैं ड्राई करती हूँ ना, तो थोड़ी आवाज़ होती है, तो मेरे को बस डर ये लगता है कि कहीं मेरी अक्षु उठ ना जाए। तो बस मैंने यहाँ पर पोछा लग गया है, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपनी कॉम वगैरह जो है। तो बस अब मॉर्निंग के काम हो गए, आज जल्दी हो गए, मतलब नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो नवरात्रे जो है ना जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के पूजा वगैरह सब हो जाता है, नहाना धोना भी हो जाता है। तो बस घर के थोड़े से काम बचते हैं, तो फटाफट से वो भी कर लिया मैंने अक्षय को सुलाने के बाद। क्या हुआ? आ गई मेरे पास। तो फ्रेंड्स, अभी बज गया 1:15, आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखो 1:15 बज गया है। और इधर मेरी अक्षु नहा धो ली है, खिला पिला दिया है, बस सारिका आएगी अब, सवा एक आधा घंटा मतलब बचा समझ लो। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ना लकी ड्रॉ में क्या जीता है, तो दिखाऊँ? हाँ दिखा दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अलमीरा मैं कल लेकर आई थी ना, कल मैंने वीडियो में बताया नहीं था आपको, तो ये ना मुझे लकी ड्रॉ में मिली है, और तो ना ये मैंने लकी ड्रॉ में जीती है। और कैसे कैसे लकी ड्रॉ में निकली है वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो बस
कल ना मैं गई थी ना, मतलब निकले ये बोलने नहीं देगी अभी मुझे, तो मैंने ना ये बोलने नहीं देगी मुझे, तो अभी ना अक्षु ना मुझे बोलने नहीं दे रही, इस वजह से ना मैंने वहाँ पे फिर आगे वीडियो नहीं बनाया, वो ना बीच बीच में शोर मचा रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा तक ना कपड़े वगैरह भी उतार लेती हूँ, थोड़ा सा जब खेल में लग जाएंगे तब आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े उतार लिए और अक्षु ना अभी मेरे साथ साथ ही यहाँ पर घूम रही है, खेलने लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी, ये ना मैंने ना लकी ड्रॉ डाला हुआ था, तो मुझे ना मेरी फ्रेंड ने बताया था, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी होता है। तो बस मैंने ना ऐसे डाल लिया था, उसमें क्या था हर महीने हमें ना उसमें पैसे मतलब डालने होते थे, और उसने मुझे बताया था, वो पहले ऐसा कर चुकी थी तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी डाल के देखती हूँ। तो बस हर महीने ना कुछ पैसे देने होते थे, ये मतलब कि एक साल का था, और मैं हर महीने उसमें देती थी पैसे, और लास्ट में ये था कि मतलब हर महीने ना एक लकी ड्रॉ निकलता भी था, वो था मतलब अगर जिसके भी नाम से निकलता था ना, जिसका भी नाम आएगा तो उस वो ना पैसे नहीं देते, मतलब उसके बदले ना सामान आप ले सकते हो, वो फर्नीचर की शॉप है उनकी, तो वहाँ से ना जो भी फर्नीचर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो बस मेरा भी इस बार निकल गया था, तो ना शराद में ही लिखना लास्ट शराद में, पता नहीं एक दिन पहले ऐसे करके कुछ निकला था मेरा, तो ना बस मैं उस टाइम पे ना लाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो नवरात्रि वाले दिन ही लाएंगे, तो ना फिर मैं बस गई थी, इसीलिए गई थी मैं कल, जब गई थी कल के ब्लॉग मैंने आपको बताया नहीं ना इसके बारे में, तो इसीलिए गई थी। तो मैंने सोचा हस्बैंड के घर जाते हैं और लेकर आ जाऊँगी, और फिर साथ में मुझे मंदिर भी लाना था, तो मैंने मंदिर भी उसी शॉप से ले लिया था, और ये अलमीरा तो मेरी बन गई, मतलब ऐसा होता है ना पैसे चले भी गए पता भी नहीं चला, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है उसमें, फिर लकी ड्रॉ में ऐसा होता है। तो बस मुझे ना अलमीरा चाहिए थी, क्योंकि ना कपड़े रखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के भी ना, अब सर्दियाँ आ रही, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर वो रखने मुश्किल होता है, सर्दियों के वैसे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक अलमीरा ही ले लेती हूँ मैं, और कुछ मैं क्या लूँ, मुझे यही समझ में आई तो मैंने यही ले लिया। तो आप लोगों को कैसे लगे आप लोग बताइएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, तो नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा ना डालेंगे वो दोबारा से, तो मैं फिर से डालूँगी, और आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो बताना। शादी से पहले ना मेरे मतलब मैं जॉब करती थी उस टाइम की बात है, तो ना गोल्ड की एक शॉप थी, तो वहाँ पे ये सब होता था, तो मैंने ना गोल्ड का काफ़ी सारा सामान बनवाया था ऐसे लकी ड्रॉ डाल डाल के, और मुझे ये नहीं पता था फर्नीचर की में भी ऐसा कुछ होता है, तो बस फर्नीचर का मेरा अब मुझे समझ आ गया, अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम भी होगा ना फिर मैं डालूंगी, फिर कुछ ले आऊँगी, धीरे धीरे चीज़ भी बन जाती है और पैसों का पता भी नहीं चलता है, तो किस्त की तरह समझ लो, और उसमें डिस्काउंट भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बाहर खड़े हैं, सारिका का वेट कर रहे हैं, वैन बस आने वाली है, और बाहर मौसम देखो कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी ना हवा चल रही है, ये देखो धूप नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है काफी, अब ऐसा मौसम ना चेंज भी हो गया है। कहाँ देख रहे हो दीदी को? चीकू बुला, चीकू कहें हाय चीकू। ये देखो फ्रेंड्स ये क्या कर रही है, सारिका स्कूल से आई है ना, तो उसके बैग में लगी हुई है चुपचाप, सोचिए इसमें से क्या निकाल लूँ मैं, देखो अक्षु क्या कर रहे हो, अक्षु क्या कर रहे हो? आ गया आ गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ना यहाँ पे अपना खाना लगा लिया है, तो सुबह की बीन्स रखी थी और अभी दाल भी रखी हुई थी मेरी रात को जो बनाई थी, और रोटी अभी बना ली है मैंने, तो बस चावल भी बनाए थे अभी, तो बस ये थाली लग चुकी है, आप भी खा लीजिए आकर। आपको ना मैं बता रही थी कि मैंने ना फास्ट ही रखा है, कल वाले व्लॉग में मैं आपको बता नहीं पाई, मैं भूल ही गई इसमें बताना आपको, फास्ट नहीं रखा है, हाँ पूजा मैं पूरी कर रही हूँ, क्योंकि फास्ट में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा, और इस वजह से मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ, लेकिन पूजा जो रूल वगैरह वो सारे कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो है मेरे वो भी सारे फोल्ड कर लिए थे, और अभी उनको रख देती हूँ, तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।